गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालिसिस में सबसे पहले जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे ये है हाउ हु क्लासीफाइज ए डिजीज आउटब्रेक। ये है आपका जो ये आर्टिकल आपका एक्सप्लेन सेक्शन में है, और जो रिसेंटली जो COVID-19 या कोरोना वायरस को जो एपिडेमिक के रूप में हु ने क्लासीफाई किया है, वो कैसे क्लासीफाई होती है, एक डिजीज़ को एपिडेमिक के रूप में कैसे यू क्लासीफाई करती है, उसी पर एक आर्टिकल है। तो चलिए इस पर एनालाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले बुधवार को जो COVID-19 या जो कोरोना वायरस है उसको हु ने आपका पैंडेमिक डिक्लेयर किया था। पैंडेमिक दोस्तों एपिडेमिक से भी बड़ा है, बड़ा ये टर्म है। तो इसे एपिडेमिक भी नहीं, इसको पैंडेमिक बोला गया है। तो पैंडेमिक किसे कहा जाएगा, कोई भी अगर बीमारी आपका जो अगर बहुत बड़े ज्योग्राफिकल भौगोलिक एरिया में अगर स्प्रेड होता है, बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड होता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बन जाता है, और उसकी अगर इम्यूनिटी लोगों के पास नहीं होती है तो उसको पैंडेमिक कहा जाएगा। तो दोस्तों ये जो पैंडेमिक है ये एपिडेमिक से भी ज़्यादा बड़ा कंसर्न है। और जो पैंडेमिक किसे कहा जाएगा, तो पैंडेमिक जो US सेंटर्स फॉर डिजीज़ एंड कंट्रोल प्रिवेंशन CDC है, वो उसने कहा है एक डिजीज़ एपिडेमिक तब होगा जिसकी अगर उसका फैलाव लोकलाइज्ड है, मतलब उसकी फैलाव अगर एक छोटे से एरिया या कंट्री में अगर सीमित है तो उसको एपिडेमिक कहा जाएगा। और अगर इसे इसकी फैलाव बहुत दूर हो जाता है और उसकी अगर इम्यूनिटी लोगों के पास नहीं होता है तो उसे पैंडेमिक कहा जाएगा। तो दोस्तों देखिए ऐसा भी नहीं है, जैसे कि पहले इबोला वायरस भी हो गया था अफ्रीका में, जिससे कि सैकड़ों हज़ारों लोग मर गए थे, लेकिन फिर भी वो एपिडेमिक था, क्योंकि ये जो इबोला वायरस था वो दूसरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ अफ्रीका में सीमित था और दूसरे कॉन्टिनेंट में उसकी फैलाव नहीं हुआ था। और सिमिलरली आपका जो मार्स की जो आउटब्रेक हुई थी 2012 में और सार्स की 2002 में, वो ये दोनों यद्यपि आपका 27 और 26 कंट्रीज़ में फैल गई थी, फिर भी इन लोगों को पैंडेमिक नहीं कहा गया है, क्योंकि ये लोग ये जो जो बीमारी था इनको आपका कंटेन करने में सफल हुई थी, लेकिन जो कोरोना वायरस है उसको कंटेन करने में सफल नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए उसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया है। तो दोस्तों इससे पहले भी आपका हु ने आपका डिजीज़ को पैंडेमिक डिक्लेयर दिया था, जो स्पेनिश फ्लू आउटब्रेक हुआ था 1918 में, उस जिससे कि आपका 20 से 50 मिलियन लोग मारे गए थे, उसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया था। फिर कोलेरा को पैंडेमिक डिक्लेयर किया था कई बार आपका 1817 से 1975 तक, जब कोलेरा आपका महामारी के रूप में विश्वभर में फैल रही थी। और 1960 में आपका पैंडेमिक H3N2 वायरस को आपका पैंडेमिक डिक्लेयर किया था, क्योंकि उससे आपका मिलियन डेथ्स हो गई थी। और इसके बाद जो स्वाइन फ्लू H1N1 उसको भी हु ने पैंडेमिक डिक्लेयर किया था 2009 को। तो अभी ये प्रश्न हो सकता है COVID-19 को हु ने पैंडेमिक क्यों डिक्लेयर कर दिया, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए चाइना ने दोस्तों दिसंबर 31 को डिक्लेयर किया था कोरोना वायरस की आउटब्रेक को, और जनवरी 30 को इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था, लेकिन हु ने उसके बाद और 72 दिन करीब आपका अढ़ाई महीना आपका 2.5 मंथ्स आपका वेट किया, जिसके बाद ही आपका ये पैंडेमिक डिक्लेयर किया। क्योंकि पैंडेमिक डिक्लेयर करने का कारण है क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में जो चाइना के बाहर जो आपका कोरोना वायरस की जो इम्पैक्ट है वो 13 फोल्ड इंक्रीज़ हो गई है, और कंट्रीज़ जो इन्फेक्टेड है वो एक के बाद 3 गुना हो गई है सिर्फ 2 हफ्ते में। और जैसे कि इटली में ही सिर्फ 888 केसेस डिक्लेयर हुआ है 1 हफ्ते में, और फरवरी 29 को जो कोरोना वायरस की जो केस थी वो आपका 4,636 आपका केस हो गया, बढ़ गया सिर्फ 1 हफ्ते में। और हु का ये अंदेशा है कि जो नंबर ऑफ केसेस है कोरोना वायरस से और उससे जो अफेक्टेड जो रिलेटेड डेथ्स होगी वो और भी बढ़ेगी, और इसी के आधार पे जो हु की आपका डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अडानोम, उन्होंने कहा है कि ये एक पेंडेमिक डिक्लेयर होना चाहिए कोरोना वायरस को। अभी दोस्तों ये सवाल हो सकता है कि अगर कोई भी डिजीज़ को अगर पैंडेमिक डिक्लेयर देती है हु,
तो उसकी जो डिजीज़ की जो फाइटिंग की जो अप्रोच है वो क्या चेंज हो जाती है। दोस्तों ये आपका जो कोई भी डिजीज़ अगर पैंडेमिक डिक्लेयर होता है तो उसकी जो अप्रोच है एपिडेमिक से कोई चेंजेस नहीं होता है, और दूसरे कंट्रीज जो हु की जो फंडिंग है या उसकी जो मेडिकल अप्रोच है वो सेम ही रहती है, और दूसरे कंट्रीज़ की जो भी जो जो अप्रोच रहती है वो भी सेम ही रहती है, एपिडेमिक की तरह ही रहती है। लेकिन ये आपका एक विश्व भर में एक ये मानना है, अगर कोई भी डिजीज़ को अगर पैंडेमिक घोषित करती है हु तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या होती है तो उस डिजीज़ की जो अप्रोच है और भी ज़ोर तोड़ से विश्व के लोग लेते हैं, या कंट्रीज़ या गवर्नमेंट्स उसकी अप्रोच और भी आपका गुरुत्व उसकी अप्रोच में और भी कंसर्न कर देती है या उसको और गुरुत्व से लेती है। लेकिन जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो जिसकी डायरेक्टर है बलराम भार्गव जी, उन्होंने कहा है कि इंडिया ऑलरेडी इस डिजीज़ के लिए आपका पर्याप्त ये प्रिवेंशन ले रही है, और इसके लिए इंडिया को अभी फ़िलहाल कोई एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, जितना कर रहे हैं हम लोग एट द बेस्ट कर रहे हैं, तो फिलहाल हमें उतनी कंसर्न नहीं होना चाहिए ये डिजीज़ पेंडेमिक है या एपिडेमिक है। तो ये था हाउ हु क्लासीफाइज डिजीज आउटब्रेक, इस पर एक एनालिसिस। चलिए अभी नेक्स्ट आर्टिकल एनालाइज करते हैं। तो सो नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये है एक्सप्लेन सेक्शन से, कैन यू टेल कोरोना वायरस इन्फेक्शन फ्रॉम कॉमन फ्लू। जो साधारण जो सर्दी जुकाम होती है उससे कोरोना वायरस जो की इन्फेक्शन क्या कोई डिफरेंस है, या कोई बोल सकता है कि ये कोरोना वायरस है या कॉमन फ्लू है, साधारण सर्दी जुकाम है, उसी कोई डिफरेंशिएशन है कि नहीं, उसी पे एक आर्टिकल है। देखिए साधारण आंसर अगर होगा तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन और जो साधारण सर्दी जुकाम है उस पर कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों का जो सिम्टम्स है वो सेम है, जैसे कॉफ हो गया, कोल्ड हो गया, ठंडा लगना, या फीवर बुखार आना, या बॉडी एक शरीर में आपका पेन तो दर्द होना, बॉडी एक होना, तो ये सर्दी जुकाम का जो सिम्टम्स है वो कॉमन फ्लू का जो सिम्टम्स है और आपका कोरोना वायरस का सिम्टम्स सेम है, तो इसीलिए आपका जो हेल्थ टर्म है आपका कोरोना वायरस को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ही बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा की प्रकार का ही बीमारी बोला जाता है, तो ये इसका कोई डिफरेंस आपका सिम्टम्स में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए दोस्तों डॉक्टर पी रविंद्रन जो कि डायरेक्टर है इमरजेंसी मेडिकल EMR जो स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य मंत्रालय की इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है या निपा वायरस है उससे आपका कोरोना वायरस की कोई डिफरेंस नहीं है, कोरोना वायरस एडिनो वायरस इन्फ्लुएंजा की जो आपकी जो सिम्टम्स है वो करीब सेम ही है। तो अभी बात ये प्रश्न हो सकती है कि कोरोना वायरस है या इन्फ्लुएंजा है उसको डॉक्टर कैसे जांच करेगी, तो इसके लिए साधारण प्रश्नोत्तर है जैसे कि सिम्टम्स क्या है और उससे पहले सिम्टम्स से पहले रोगी कहाँ किस जगह ट्रेवल किया था, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि इसको जज करना कि ये कोरोना वायरस है क्या साधारण सर्दी जुकाम है। तो आपका जो सिम्टम्स जो सर्दी जुकाम का और जो कोरोना वायरस का एडवांस स्टेज में भी उसकी सिम्टम्स सेम रहती है, तो उसका डिफरेंशिएशन आपका एडवांस स्टेज में भी होना काफ़ी दिक्कत है विदाउट अप्रोप्रिएट टेस्टिंग। अभी बात है आपका जो डिजीज़ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन की जो मेन डिफरेंस है इसमें आता है आपका प्रिवेंशन, जैसे कि साधारण फ्लू का जो आपका वैक्सीन है, लेकिन जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है mRNA हुई अभी भी बनी नहीं है, और ये मॉडर्ना बायोटेक है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन USA में है, वो अभी ट्रायल में है, फेज़ 1 ट्रायल में है, और उसको बहुत जल्दी मार्केट में उपलब्ध कराएगी। तो जो प्रिवेंशन है उसी में मेन डिफरेंस है, यद्यपि आपका कॉमन फ्लू का या इन्फ्लुएंजा का आपका वैक्सीन उपलब्ध है लेकिन कोरोना वायरस का अभी भी उपलब्ध नहीं है। और दूसरा बात है जो मोर्टालिटी रेट, जो मृत्यु की रेट मोर्टालिटी रेट जो है कोरोना वायरस की ये 3% से थोड़ा ऊपर है, लेकिन जो ये स्वाइन फ्लू से कम है, लेकिन जो साधारण इन्फ्लुएंजा या कॉमन फ्लू सर्दी जुकाम या जो इन्फ्लुएंजा से जो इफेक्टेड हैं उनसे ज़्यादा है, तो क्योंकि इन्फ्लुएंजा या कॉमन फ्लू जो जिससे आक्रांत लोगों की मृत्यु की जो गढ़ है या रेट है ये 0.1% है, क्योंकि
क्योंकि उसकी वैक्सीन्स उपलब्ध है फिलहाल, लेकिन कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन्स उपलब्ध नहीं है। उससे उसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो अबव 3% है। तो ये था हमारा आज का द एक्सपेंस सेक्शन से कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।